गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टेक योर जीके बुक, चैप्टर नंबर सेकंड एंड पेज नंबर थर्ड। एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पौधे। एक्वेटिक प्लांट्स आर प्लांट्स दैट हैव अडेप्टेड टू लिविंग इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स, आइदर सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। जलीय पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। या तो वे खारे पानी के पौधे होते हैं या फिर मीठे पानी के पौधे। ये पौधे जलीय पौधे में ही नाम से जाने जाते हैं। सो फर्स्ट है सॉफ्ट हॉर्नवॉर्ट। इट इज़ ए सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम यूरोप, सेंट्रल एशिया, नॉर्थन अफ्रीका, प्लेसेस इन ट्रॉपिकल अफ्रीका। ये एक जलमग्न मुक्त फ्लोटिंग जो है मुक्त तैरता हुआ जलीय पौधा है। ये यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। सेकंड है मर्चेंटियल्स। मर्चेंटियल्स इज़ ए वाइड स्प्रेड प्लांट ऑफन फाउंड बिसाइड्स रिवर। मर्चेंटियल्स एक प्रकार का नदी के किनारे पे पाए जाने वाला पौधा है जो नदी के किनारों पे पाए जाते हैं। तो जैसे शैवाल या जो काई बन जम जाती है छोटी छोटी, वो होती है ये। नेक्स्ट है येलो इरिस। इरिस स्यूडोकोरस, द येलो फ्लैग, येलो इरिस और वाटर फ्लैग इज अ स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द फैमिली। इट इज़ द नेटिव ऑफ यूरोप, वेस्टर्न एशिया। आयरिस स्यूडोकोरस एक तरह का पीला पौधा है जो पानी में पाया जाता है। इसकी जो प्रजाति है वो यूरोप, एशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है स्कैड लॉटस। इट इज़ ऑफन कॉल्ड वाटर लिली। लॉटस प्लांट्स आर अडेप्टेड टू ग्रो इन द फ्लोट प्लेन्स ऑफ स्लो मूविंग रिवर्स एंड डेल्टा एरियाज। इसे अक्सर वाटर लिली कहा जाता है। कमल के पौधों को धीमी गति से बहने वाली नदियाँ या डेल्टा के जो क्षेत्र हैं वहाँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कॉमन वाटर हाइसिंथिस। इट इज़ ए एक्वेटिक प्लांट नेटिव टू अमेजन बेसिन एंड इज़ ऑफन ए हाईली प्रॉब्लमेटिक इन्वेजिव स्पेसिस आउटसाइड टू नेटिव रेंज। ये अमेजन बेसिन का मूल निवासी एक जलीय पौधा है। अक्सर अपनी मूल सीमा के बाहर अत्यधिक समस्याग्रस्त आक्रामक प्रजाति के रूप में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है एरोबेड्स। एरोबेड्स एक तरह के जलीय पत्ते हैं। पत्ते नुमा एक पौधा होता है। सिंगोनियम पाडोफिलम इज़ ए स्पेसिस ऑफ थायराइड एरोइड एंड द कॉमनली कल्टिवेटेड एज अ हाउस प्लांट। सिंगोनियम पायोरिरम थायराइड एक प्रजाति है, जलीय पौधा है और आम तौर पर ये हाउस प्लांट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है वाइट वाटर रोज़। वाइट वाटर रोज़ इन एन एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट। इट इज़ नेटिव टू नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप एंड द ट्रॉपिकल एशिया। एक ये जलीय सफ़ेद गुलाब है जो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है वाटर लेटस। पेस्टिया जो स्टेरिस जो इसे फ्लावरिंग प्लांट्स द हर्ब्स इन रोजेट्स एंड द ग्रे ग्रीन लीव्स ऑफन स्पंजी नियर बेसिन इज ऑफन कॉल्ड वाटर कैबेज। पेस्टिया स्टेरिटॉट्स ग्रे हरी पत्तियों के रोसेट में तरी तैरती हुई जड़ी बूटियां हैं जो पानी में पाई जाती है। इसका बेस जो होता है वो स्पंजी बेस होता है और इसे हम पानी की पत्ता गोभी या पानी की गोभी भी कह सकते हैं। इसका जो शेप है वो कुछ कैबेज के जैसा है।
नेक्स्ट है लेमना। लेमना इज अ जीनस ऑफ फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट रेफर टू बाय द कॉमन नेम डकविड्स। लेमना एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट जलीय पौधा है की प्रजाति है। इसका सामान्य नाम डकविड है, डकविड के नाम से इसे जाना जाता है और ये एक तरह से काईनुमा छोटी छोटी शैवाल के रूप में पानी के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट है सेल्विनिया इज एन एक्वेटिक फर्म नेटिव टू साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील। इट इज़ ए फ्री फ्लोटिंग प्लांट दैट डज नॉट अटैच टू द सॉइल बट स्टीन रिमेन ब्यूंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ वाटर। दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील का एक ये जलीय पौधा है जो मिट्टी से नहीं जुड़ता बल्कि पानी के एक सतह के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट है अजोला। इट इज़ नथिंग बट ए ट्री फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न कंसिस्टिंग ऑफ द शॉर्ट ब्रांचेस फ्लोटिंग स्टीम बियरिंग रूट्स विच हैंग डाउन इन द रूट वाटर। इट्स काइंड ऑफ ग्रीन फोल्डर ग्रोन ऑन द वाटर सरफेस। अजोला नाम का ये जो पौधा है वो छोटा, इसकी शाखाएं नुमा ये पानी पे तैरता हुआ आपको नज़र आएगा और इसके जड़ें होती हैं। तो ये ऊपर तो आपको पौधा नज़र आता है और उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे पानी में तैरती रहती है। एक तरीके से ये पानी में उगने वाला हरा चारा है। नेक्स्ट है वॉल्फिया। वॉल्फिया इज़ ए जीनस ऑफ 9 to 11 स्पीसीज विच इंक्लूड द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट ऑन अर्थ कॉमनली कॉल्ड वाटरमील और डकविड। वॉल्फिया 9 to 11 प्रजातियों का एक जीनस है। 9 to 11 प्रजातियाँ इस वॉल्फिया की पाई जाती है जिसमें पृथ्वी पर सबसे छोटे फूल वाले पौधे शामिल है। आमतौर पर इसे वाटरमील या डकविड के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है चारा। दे आर मल्टीस्कूलर एंड सुपरफिशियली रिसेंबल लैंड प्लांट्स बिकॉज ऑफ स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुकोशिकीय पौधा है और सतही रूप से तने के रूप में पत्ती के रूप में संरचना के कारण भूमि या पौधे के समान होता है। ये छोटा सा जैसे बेलनुमा होता है और पौधे पानी में ही ये भी पाया जाता है, पानी से जुड़ा हुआ दीवार पे ये तैरता हमें नज़र आता है। नेक्स्ट है हाइड्रिला। हाइड्रिला इज़ ए जीनस ऑफ एक्वेटिक प्लांट यूजुअली ट्रीटेड एज कंटेनिंग जस्ट वन स्पीसीज। हाइड्रिला एक जलीय पौधा है और आमतौर पर केवल एक ही प्रजाति के रूप में पाया जाता है और ये भी काईनुमा छोटे छोटे इसके पौधे होते हैं जो कांटेनुमा छोटे छोटे पानी में तैरते नमा जाते हैं। नेक्स्ट है राइजोफोरा। राइजोफोरा इज़ अ जीनस ऑफ ट्रॉपिकल मैंग्रोव ट्री समटाइम्स कलेक्टिवली कॉल्ड ट्री मैंग्रोव्स। राइजोफोरा एक उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव पेड़ों की एक प्रजाति है। कभी कभी सामूहिक रूप में इसे मैंग्रोव सच्चे मैंग्रोव भी कहा जाता है। ये पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट है अनुबियास। अनुबियास इज़ अ जीनस ऑफ एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट इन द फैमिली एक्रिसिस नेटिव टू ट्रॉपिकल सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका। दे प्राइमरली ग्रो इन रिवर एंड स्ट्रीम्स बट कैन आल्सो बी फाउंड इन मैरसिस। अनुबियास जो मध्य और पश्चिमी जो अफ्रीका के इलाके हैं वहाँ पे ये पाया जाता है पानी में। ये मुख्य रूप से नदियों में उगता है और कभी कभी इसे दलदल में भी देखा जाता है। सो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स में या जलीय पौधों के नाम से जाने जाते हैं। ये पानी में ही विचरित करते हैं अलग अलग रूप में, इन्हें अलग अलग इलाकों में हम इन्हें देख सकते हैं। सो चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। वी विल कवर रिमेनिंग टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।